रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों की पत्नियों के साथ सावन उत्सव। आज हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए वास्तव में कुछ खास है, एक असाधारण उत्सव जो भक्ति, संस्कृति और एकता की भावना का उदाहरण पेश करता है। आज हम सावन महोत्सव की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कनेक्ट रहें, जहां आप जानेंगे कि जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कड़क माने जाते हैं, उनकी पत्नियां उत्सव कैसे सेलिब्रेट करती हैं और ये उनके जीवन में कितना गहरा महत्व रखता है। सावन महोत्सव, जिसे भक्ति, आनंद और जीवंत उत्सव का समय कहते हैं, उन उल्लेखनीय महिलाओं के जीवन की ये विशेष झलक आपके सामने लाना हमारे लिए सम्मान की बात है, जो न केवल ड्यूटी के समय बल्कि सांस्कृतिक महत्व के क्षणों में भी हमारे बहादुर आईपीएस अधिकारियों के साथ खड़ी रहती हैं। मैं संगीता लालू और साथ में मैं मेरे हस्बैंड मदन मोहन लाल रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और मैं स्वयं भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में। ये रिटायर्ड आईपीएस वाइफ्स एसोसिएशन का ये पहली बैठक हुई है और इस सावन के पवित्र महीने में हमने इसकी शुरुआत की है। आगे हम लोग, अभी तो ये फर्स्ट बैठक है, हम लोग आपस में विचार विमर्श किए हैं और आगे हम लोग कुछ समाज के लिए कुछ सामाजिक कार्यक्रम, जैसे विधवा महिलाओं के लिए या और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये सब के लिए एक एनुअल एक्शन, मतलब एक प्लान टाइप का हम लोग बना रहे हैं जिस पर हम लोग आगे। दरअसल सावन महोत्सव का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है, चूँकि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों की पत्नियां व्रत रखती हैं और प्रार्थना में व्यस्त रहती हैं, इसलिए उन्हें अपने विश्वास और एक दूसरे के साथ बंधन में सांत्वना मिलती है। ये त्योहार कई रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा चिन्हित है। अपने हाथों पर मेहंदी डिजाइन सजाने से लेकर नाच गानों में भाग लेने तक ये महिलाएं उत्सव के उत्साह में डूब जाती हैं। और ये सब जो हम लोग बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये सब पुलिस अफसरों की पत्नियां हैं। ये सारे पुलिस अफसर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पुलिस पदाधिकारी तो पब्लिक से जुड़े रहते हैं ना। जितना जुड़ाव पुलिस का है, जितना संबंध गहरा पुलिस का पब्लिक से है, उतना हर विभाग का नहीं होता है। पुलिस में ही रहे, ये पब्लिक में ही रहे हैं, तो अब रिटायर होने के बाद पुलिस पदाधिकारी और उनकी पत्नियां पब्लिक से जुड़ी रहना चाहती हैं। हम लोगों ने अपना एक एसोसिएशन खड़ा किया है आज के दिन, इस सावन के महीने में, जो रिटायर्ड आईपीएस वाइव्स एसोसिएशन के नाम से रहेगा। सावन महोत्सव न केवल सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाता है, बल्कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों और उनकी पत्नियों के बीच अटूट बंधन को भी प्रदर्शित करता है। ये महिलाएं ताकत के स्तंभ के रूप में खड़ी हैं, जो अपने जीवन साथी को उनके नेक प्रयासों में अटूट समर्थन प्रदान करती हैं। देखिए, अभी तो वो कह नहीं सकते हैं, पहले से तो ये संगठन कर ही रहा है, रिटायर्ड आईपीएस का है अपना, कि किसी भी स्टूडेंट है, जो भी कम्युनिटी के हैं, उसको कुछ हेल्प करना, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे कुछ ट्रीटमेंट है उसमें, तो वो तो हमारा एसोसिएशन करता ही है। पहले से भी जो हम लोग थे, जब रिटायर नहीं किए हुए थे, तभी तो हमारा आईपीएस एसोसिएशन करता ही है, फेयर लगाता है, कुछ हेल्प भी करता है। देखिए, रांची वासियों के लिए मेरे तरफ से है कि सावन की शुभकामना है। उत्सव के बीच दिल को छू लेने वाले क्षण भी होते हैं, जो सावन महोत्सव के महत्व को दर्शाते हैं। परिवार एक साथ आते हैं, कहानियाँ, हंसी और भावनाएं शेयर करते हैं। आपके पास ये है रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों की समर्पित पत्नियों द्वारा मनाए जाने वाले शानदार सावन महोत्सव की एक झलक। ये उत्सव केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्यार, एकता और उस ताकत के बारे में है, जो एक साथ खड़े होने से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल खबर।